प्रोडक्ट को मैंने अरेंज कर दिया है। दोस्तों, इससे पहले मैंने वेबएक्स कार केयर किट का वीडियो बनाया था इस चैनल में। आज हमारे पास एक दूसरा ब्रांड का कार केयर किट है, ऑटोब्रॉस कार केयर किट, जिस किट के अंदर में दोस्तों काफ़ी सारा प्रोडक्ट आता है। यहाँ पर पिक्चर वगैरह लगा हुआ है, तो वीडियो में आगे कार केयर किट के बॉक्स को ओपन करके देखेंगे, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। और इस किट का दोस्तों मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है यहाँ पर 1725 लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस अगर आप जानना चाहते हैं या फिर इस किट को ख़रीदना चाहते हैं वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इस कार केयर किट का लिंक, मतलब परचेस लिंक आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किट के अंदर में यहाँ पर दो माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिल रहा है आपको, जो कि 40x40 सेंटीमीटर साइज का, जो कि यहाँ पर किट के बॉक्स के ऊपर में ही लिखा है। और इसके अलावा दोस्तों तीन एप्लीकेटर पैड मिल रहा है। एप्लीकेटर पैड का दोस्तों क्वालिटी उतना खास नहीं है, ये बेसिकली दोस्तों स्पॉन्ज जो मिलता है, जो सोफ़ा वगैरह में रहता है, उस तरीके का स्पॉन्ज लग रहा है मुझे। मतलब प्रॉपर एप्लीकेटर का कोई स्टेप नहीं है, ये वाला चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर टोटल 6 प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर 300 ml का दोस्तों एक ऑटोब्रॉस कूल कार शैम्पू का बॉटल है, और 300 ml का दोस्तों ऑटोब्रॉस वाशर फ्लूइड है, विंडशील्ड वाशर फ्लूइड। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों ऑटोब्रॉस ब्रांड का अल्टीमेट स्क्रैच एंड सॉयल रिमूवर है, और ये भी है दोस्तों 300 ml का। इसके अलावा दोस्तों ऑटोब्रॉस ब्रांड का लिक्विड वैक्स पॉलिश एंड सीलेंट है 300 ml का। और इसके अलावा ऑटोब्रॉस का 300 ml का टायर पॉलिश है, और यहाँ पर ऑटोब्रॉस ब्रांड का 300 ml का डैशबोर्ड एंड लेदर कंडीशनर है दोस्तों। मतलब हर एक प्रोडक्ट दोस्तों 300 ml का है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा एक स्प्रे नोजल भी मिल रहा है, तो ये दोस्तों बेसिकली आप चाहे तो टायर पॉलिश को, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसको यूज़ करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कार केयर किट को ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट को मैंने अरेंज कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ के बारे में। क्लॉथ पर हाथ लगा के जो पता चल रहा है दोस्तों, क्लॉथ का क्वालिटी दोस्तों एवरेज है। और एक चीज़ यहाँ पर बॉक्स के ऊपर में दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर सर्कल शेप में एप्लीकेटर का पिक्चर लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर स्क्वायर शेप में एप्लीकेटर मिला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑटोब्रॉस कूल कार शैम्पू को यूज़ करेंगे, इससे बकेट वॉश करेंगे कार के थोड़े पोर्शन को। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मात्रा में डाल देते हैं बस, बहुत ही थिक है शैम्पू दोस्तों, शैम्पू का फ्रेग्रेंस उतना खास नहीं है। शैम्पू का क्वालिटी के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा कुछ कहने का ज़रूरत नहीं है, कार शैम्पू जैसा होता है अच्छा क्वालिटी वाला है। अभी हर एक कार शैम्पू में दोस्तों डिफरेंशिएट करना तो उतना, मतलब कैमरा में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों शैम्पू लगने के बाद इसको क्लीन करके देखते हैं। हालांकि बोनेट उतना ज़्यादा गंदा नहीं था दोस्तों। क्लीनिंग दोस्तों बकेट वॉश करने के बाद अच्छे से हुआ है। कार के बोनेट को हमने थोड़ी देर पहले वॉश किया था, तो यहाँ पर हमने मास्किंग टेप लगा के थोड़ा पर्सन सेपरेट कर दिया है। तो अभी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑटोब्रॉस का जो लिक्विड वैक्स पॉलिश एंड सीलेंट है, इसको
जो एप्लीकेटर पैड है इसके मदद से। इसको डैप डैप करके लगा देंगे। अभी इसके बाद दोस्तों इसको सर्कुलर मोशन में स्प्रेड करना है। तो थोड़े देर ड्राई होने के लिए छोड़ना है, जैसे नॉर्मल हर एक वैक्स पॉलिश में छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी टाइम बीत चुका है, लगभग 3 से 4 मिनट। तो यहाँ पर स्वाइप टेस्ट करके देखते हैं। हाँ, क्लियर दिख रहा है, मतलब पॉलिश जो है वैक्स पॉलिश ये ड्राई हो चुका है। तो अभी इसको माइक्रोफाइबर से वाइप अप कर देना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, वाइप अप करने के टाइम पर ही पता चल रहा है सरफेस काफ़ी स्मूथ हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों अभी स्लिकनेस को टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। मास्किंग टेप को यहाँ पर रख के दिखाते हैं, देखिए, देख लीजिए, देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, सुपर स्लिक हो चुका है सरफेस। अभी मास्किंग टेप को हटाते हैं। देख लीजिए, देख सकते हैं दोस्तों, क्लियरली दिख रहा होगा जिस स्क्वायर के अंदर में हमने वैक्स पॉलिश को यूज़ किया था, यहाँ पर किस तरीके का रिजल्ट आया है। काफ़ी हाई ग्लॉस लुक आया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, एकदम सुपर हाइड्रोफोबिक बन चुका है, देख लीजिए दोस्तों। पानी बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है इस सरफेस पर, और यहाँ पर वाटर कैसे बिडाफ हो रहा है देख सकते हैं, देख लीजिए दोस्तों। अभी यहाँ पर ऑटोब्रॉस अल्टीमेट स्क्रैच एंड सॉयल रिमूवर को यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है स्मॉल स्क्रैचेस सॉयल मार्क्स वगैरह को ये रिमूव करता है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि इसको आप हाथ और पॉलिशर मशीन दोनों से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे कार के लेफ्ट साइड में दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा माइनर स्क्रैच, पेंट स्कप्स और थोड़ा बहुत पेंट उखड़ के निकल गया। तो यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। अभी इसके बाद से रब करके देखते हैं थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ पर जो माइनर स्क्रैच थोड़ा बहुत था और जो पेंट स्कफ था यानी पेंट ट्रांसफर था वो पूरी तरीके से दोस्तों रिमूव हो चुका है। लेकिन हालांकि जो ब्लैक कलर का मार्क्स दिख रहा है आपको, इसको दोस्तों किसी भी स्क्रैच रिमूवर से रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ से पेंट उखड़ गया है, इसको रिपेंट करना पड़ेगा। अभी दोस्तों ऑटोब्रश टायर पॉलिश को यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टायर को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। टायर को क्लीन करके हमने टेबल फैन से ड्राई कर लिया, तो ड्राई करने के बाद कलर देख सकते हैं टायर का फेड हो गया है। तो यहाँ पर एक साइड में हम यूज़ कर लेते हैं ऑटोब्रश टायर पॉलिश को। यहाँ पर जो स्प्रे नोजल इसके साथ मिला है किट के साथ, यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अब इसकी मदद से दोस्तों इसको स्प्रेड कर देते हैं। यूज़ करने के बाद ड्राई होने के लिए बिल्कुल भी वेट करने का ज़रूरत नहीं है, जैसा टायर पॉलिश के बॉटल पर मेंशन्ड है। तो इसको हम सिंपली एक माइक्रोफाइबर से वाइप अप कर देंगे, एक्सेस जो लगा होगा उसको वाइप अप कर देंगे। मेरे ख्याल से लुक और भी अच्छा मिलेगा टायर का। मास्किंग टेप को हटाते हैं। दोस्तों बहुत लोग बता देता है, मतलब हर एक टायर पॉलिश को यूज़ करने के बाद नया टायर जैसा हो गया है, लेकिन इस टायर पॉलिश को यूज़ करने के बाद मैं बता सकता हूँ टायर रेस्टोरेशन ऑब्वियसली अच्छे से हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टायर नया लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर यह पुराना टायर के साइड वाल है, देखकर ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर रेस्टोरेशन दोस्तों एवरेज है, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह आया है कि नहीं वो वाला चीज़ को टेस्ट करना है।
जहाँ पर यूज़ नहीं किया है इस सर्फ, इसको देखिए यहाँ पर पानी को स्प्रे कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है। और जब यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए शायद आपको दिख रहा होगा ये वाला चीज़। प्रोडक्ट में कहीं पर ऐसा बताया नहीं है कि इसमें हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल दोस्तों थोड़ा बहुत हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ तो है, जो कि यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आप एक बार देखिए इस पोर्शन में, देखिए अभी हम यूज़ करेंगे डैशबोर्ड एंड लेदर कंडीशनर को। डैशबोर्ड लेदर कंडीशनर को आप कार के डैशबोर्ड के अलावा, कार के इंटीरियर में जितने भी प्लास्टिक फाइनल पार्ट्स है, या फिर कार के एक्सटीरियर में जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स है, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं रिस्टोर करने के लिए। बिल्कुल भी वेट करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूज़ करने के बाद एक्सेस जो लगा होगा उसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप अप कर लेना है। काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्टोर हुआ है। अभी दोस्तों किट में से हम यूज़ करेंगे विंडशील्ड वाशर फ्लूइड को, तो जिसके लिए कार के बोनेट को सबसे पहले खोलना है। बोनेट को खोलने के बाद कार में जो वाटर रिजर्वायर यानी वाटर टैंक है इसको खोलना है। तो इसके अंदर में अगर पहले से कोई विंडशील्ड वाशर सॉल्यूशन है उसको आपको पूरा निकाल देना है, उसके बाद ही इसको यूज़ करना है। तो मैंने भी पहले से निकाल के रखे हैं। अब इसके डायरेक्शंस फॉर यूज़ के अनुसार 100 ml डालना है वाटर टैंक पर, बाकी पानी मिक्स करना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसमें नहीं डालेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक मेजरिंग जग है, देख लीजिए ये है 1000 ml का, और यहाँ तक है दोस्तों 100 ml, देख लीजिए। तो यहाँ तक फिल करेंगे और बाकी पानी फिल करके मिक्स करके डालेंगे। अभी थोड़ा और पानी डाल देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर विंडशील्ड वाशर फ्लूइड किस तरीके से विंडशील्ड को क्लीन कर रहा है। तो इसके क्वालिटी के बारे में और ज़्यादा क्या बताएं, ज़्यादातर विंडशील्ड वाशर फ्लूइड दोस्तों इस तरीके से ही काम करता है और सेम क्वालिटी का रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको अलग ब्रांड के विंडशील्ड वाशर फ्लूइड की अगर बात करें। और ये साथ ही साथ वाइपर ब्लेड को भी काफ़ी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये कार केयर किट का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।